जय बजरंगबली। बहुत शांति मिल रही है यहाँ के। अपनी बेकरी है, इन हाउस बेकरी का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आप ढूंढते हैं ठंडी जगह, और जब ठंडी जगहों की बात आती है तो मसूरी को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन मसूरी की भीड़ भाड़ भी आपके माइंड में आती है। हम अभी मसूरी से 4 किलोमीटर पहले खड़े हैं, और देखिए आप बोर्ड देखेंगे, हाथी पांव की तरफ हमें जाना है। तो हम इस भीड़ भाड़ से बचते हुए एक मसूरी के बहुत ही पास, आप इसे ऑफ बीट लोकेशन भी कह सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, वहीं आपको लेकर जा रहे हैं। और किस जगह लेकर जा रहे हैं वो हम आपको वहीं जाकर दिखाएंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर हम हाथी पांव वाली रोड पर ही आगे आए हैं, और यहाँ आकर आपको एक टर्न दिखेगा जहाँ ये लिखा होगा जय श्री कृष्ण चित्रकूट, ये मैं लैंडमार्क के लिए बता रही हूँ, और भगवान शंकर आश्रय मसूरी। हम यहाँ आश्रम में नहीं जा रहे हैं, आपको एक रिजॉर्ट में लेकर जा रहे हैं। लेकिन उस रिजॉर्ट का क्योंकि अभी ओपनिंग होने वाली है, और इसीलिए यहाँ पर अभी तक साइनेज आपको कोई नहीं दिख रहा है, जब आप आएंगे आपको दिख जाएगा। चलिए हम जा रहे हैं आपको लेकर मिस्टी माउंट में। फाइनली हम पहुंच गए हैं मिस्टी माउंट्स, और देखिए यहाँ पहुंचते ही बड़ी ही शांति फील हो रही है विदित, और विदित को ठंड भी फील हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मसूरी का यही एक फायदा होता है कि आप जब इस एरिया में पहुंचते हैं तो आपको जैसे ही धूप जाती है ठंडा फील होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको देखिए पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ह्यूज पार्किंग है यहाँ पर। हम धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़कर वहाँ ऊपर टॉप तक जाएंगे, क्योंकि जितना ऊपर हम चलते जाएंगे हमें व्यू उतना ही सुंदर मिलता जाएगा। एक तरफ ग्रासलैंड और दूसरी तरफ रिसेप्शन। नमस्कार, और इन पिक्चर्स को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम जंगल में पहुंच गए। मिस्टी माउंट्स रिजॉर्ट हम इसको बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल फील आ रहा है वो रिजॉर्ट वाला। और ये स्टेप्स में, इस तरह का रिजॉर्ट मैं पहली बार देख रही हूँ। हर स्टेप्स पे जैसे ही आप जाएंगे आपको भरपूर ग्रीनरी दिख रही है, और हम काफी ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमें फायरफ्लाई इग्नाइट योर फायर, ये रेस्टोरेंट है इनका। बाहर तो इतनी ब्यूटीफुल सेटिंग दी हुई है इन्होंने, लेकिन अंदर भी बहुत ही यूनिक सेटअप आपको दिखेगा। फर्स्ट लुक में तो ये मुझे बिल्कुल बार जैसा फील दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत डिलीशियस आइटम दिख रही है बेकरी की, और मैंने इनसे कंफर्म किया है इनकी इन हाउस बेकरी है, हम टेस्ट जरूर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि जनरली हम लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए करते हैं ये सेटअप, तो अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस इस तरह से करना चाहते हैं बाहर बैठकर, देखिए तो कितनी अच्छी प्लेस है ये। मैं बच्चों को सारी जगह ढूंढ रही थी, पता चला कि वो एक्टिविटी एरिया में है, रिसेप्शन के जस्ट साथ में ही ये एक्टिविटी एरिया है इनका। क्या क्या एक्टिविटीज हैं देखते हैं। वाओ, इतनी सारी बुक्स, और देखो यहाँ पर ये अपने गेम्स में लगे हुए हैं। आज भाभी इनको खिला रही है तो ये दोनों लड़ेंगे नहीं, खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है अगर अच्छा व्यू हो तो। ग्रेट, एक्चुअली
एक्टिविटी रूम तो मुझे इनका बहुत पसंद आया है, और साथ ही यहाँ पर मुझे कुछ रूम्स भी दिख रहे हैं। अभी हम रिसेप्शन के ऊपर वाले ब्लॉक में ही हैं। यहाँ पर इनके ये दो रूम हैं जो बेस कैटेगरी इकोनॉमी रूम इनको कहते हैं। ये रूम का साइज मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है स्टैंडर्ड साइज से, लेकिन दो लोगों के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो देखिए, मुझे बेस कैटेगरी रूम में जनरली लोग मिनी फ्रिज नहीं रखते हैं, बट यहाँ पर हमें मिनी फ्रिज भी दिख रहा है। वार्डरोब है प्रॉपर, आपको फुल लेंथ मिरर भी मिलता है, टीवी है, एमिनिटीज लगभग सारी है, साथ में अटैच वॉशरूम। और इसके साथ ही ये दूसरा रूम है। सो बेसिकली ये दोनों रूम इस तरह से बनाए गए हैं कि इनको आप अलग अलग भी ले सकते हैं, और अगर एक फैमिली लेना चाहे तो आपको बिल्कुल प्राइवेसी मिलती है, क्योंकि रूम, ये वाला रूम इनफैक्ट बड़ा है, इसमें स्पेस आपको पूरा मिलता है, और साथ ही कॉमन बालकनी है दोनों की। इसका वॉशरूम इधर है, तो दोनों में आपको अलग अलग वॉशरूम भी मिल जाते हैं। और देखिए कितनी ह्यूज बालकनी है, क्योंकि ये दोनों रूम की कॉमन बालकनी है, तो ये एक तरीके से फैमिली रूम के लिए, मुझे लगता है एक बड़ी फैमिली है तो उसके लिए बहुत एप्रोप्रिएट रहेगा। गार्डन व्यू एंड माउंटेन व्यू। ये सामने आप देख रहे हैं, ये भी इनके इकोनॉमी रूम्स हैं जो बेस कैटेगरी हैं, और उसके ऊपर और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन हम रूम्स आपको बाद में दिखाएंगे। अभी इन्होंने बताया है यहाँ पर बहुत सुंदर बजरंग बली के दर्शन हम कैसे छोड़ सकते हैं, जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर ट्रैक है, बहुत छोटा सा ट्रैक है, जब यहाँ आएंगे तो आप वहाँ जरूर जाएंगे। चलिए दर्शन करके आते हैं। रिजॉर्ट के बिल्कुल साथ ही ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पर हमें दर्शन होंगे बजरंग बली के। लगभग 500 मीटर हम आगे आए हैं। वैसे आप प्रॉपर्टी से यहाँ तक पैदल भी आ सकते हैं, रास्ता भी बड़ा सुंदर है, और यहीं से बस हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितना आगे जाना है, और इसीलिए अब यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना है दर्शन करने। आई एम श्योर जब हम ऊपर दर्शन करने जाएंगे वहां से तो हमें व्यू अल्टीमेट मिलेगा ही, लेकिन यहाँ देखिए अभी हमें नीचे से ही पूरा देहरादून नजर आ रहा है। मुझे लगता है लगभग 30-35 सीढ़ियां हम लोग चढ़ के आए हैं, थोड़ी स्टीप थी, लेकिन उसके बाद जय बजरंगबली, इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। लगभग 6 फीट की ये प्रतिमा है, और ये हम जब लास्ट, याद है बच्चों, हम वहां गए थे जॉर्ज एवरेस्ट, हमने वहां से गाड़ी से जाते हुए देखा था, हमें दूर से दिख रहे थे कि बजरंगबली बैठे हुए, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता था। कहते हैं ना, मन में कोई बात होती है तो वो पूरी हो जाती है, हमें पता ही नहीं था कि हम आके आज दर्शन कर लेंगे। जय बजरंगबली। बहुत शांति मिल रही है यहाँ के, यहाँ बैठकर आप ध्यान में जा सकते हैं, और इतना प्यारा वाइड व्यू पूरा यहाँ से मिल रहा है हमें। देखिए कहाँ से कहाँ मिल जाते हैं, हम दर्शन करने आए थे बजरंगबली के, और हमें यहाँ पर हमारी फैमिली मिल गई। बड़ा अच्छा लगा। दर्शन करके हम लोग आ गए हैं वापस, और देखिए अब क्योंकि सन डाउन हो गया है, लाइट्स ओपन हो गई हैं, लाइट चलने के बाद ना रिजॉर्ट कुछ अलग ही दिखता है। वेदर वाकई यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छा वेदर है। जिस तरह हमें पूरे रिजॉर्ट में नेचर का फील आ रहा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने इस पेड़ को बहुत सुंदर खूबसूरत तरीके से बचाकर तो रखा ही है, साथ में जिस तरह से डेकोरेट किया हुआ है,
वो बहुत ही सुंदर है। स्पेशली ये इन्होंने यहाँ पर जो फाउंटेन दिया हुआ है इससे इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही है। और ये पैरट ब्यूटीफुल। ओह वाओ, हमें पता नहीं था ये पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर हम पेट देख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप अपने पेट्स भी लेकर आ सकते हैं। क्या नाम है इसका? टाइगर। टाइगर, हेलो टाइगर। यहाँ पर इनके पास हमने जैसे कि आपको बताया कि दो और रूम कैटेगरीज है, पर उसके लिए थोड़ा आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं। मैं शुरू से ही इस प्रॉपर्टी में देख रही हूँ कि किसी भी कॉर्नर में जाइए आपको इतनी सुंदर लैंडस्केपिंग मिलेगी। यहाँ पर भी देखे, ये एरिया बहुत ही रॉ है। यहाँ पर पूरी आपको रॉक्स दिख रही हैं, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं। खूबसूरत माउंटेन्स को देखते हुए हम आ गए हैं ऊपर, और क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी स्टेप्स में है और हम और ऊपर आ गए हैं। ये है इनका एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम, जहाँ पर आपको एक लिविंग एरिया मिलता है, जहाँ पर बैठकर आप आराम से टीवी देख सकते हैं। साथ में व्यू तो ऑफकोर्स हर रूम से आपको मिलेगा, बालकनी भी है तो हम बाहर भी जा सकते हैं। और क्योंकि ये पूरा ह्यूज स्पेस आपको मिलता है बालकनी में, क्योंकि यहाँ पर बेडरूम और लिविंग एरिया की बालकनी ये कॉमन है। इनफैक्ट ये यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल रहा है। यहाँ से आप देखिए इतना प्यारा व्यू आपको मिलेगा, यहाँ से आई एम श्योर आप सनराइज और सनसेट व्यू बहुत प्यारा आपको मिल सकता है। तो जब आप आएंगे तो आप देखेंगे। लिविंग एरिया से होते हुए हम आते हैं बेडरूम की तरफ, लेकिन यहाँ पर ग्रेट, यहाँ पर देखिए आपको मिलता है एक वॉशरूम जो लिविंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हमें लगेज के लिए काफी स्पेस मिल गया है। रूम वाकई बहुत अच्छे से इन्होंने, बहुत ही एलिगेंट हम कह सकते हैं, डेकोरेट किए हैं। बेडिंग भी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। और इस बाकी के रूम्स में आपको स्पेस बहुत मिल रहा है, सिर्फ मुझे जो इकोनॉमी रूम हमने देखा था उसमें थोड़ा स्पेस कम लगा, लेकिन हर रूम से देखिए क्योंकि व्यू आपको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन एमिनिटीज आपको सारे रूम्स में सारी मिलती हैं। सभी रूम्स में यहाँ पर एयर कंडीशन है, हालांकि मुझे लगता है ऐसी जगह पर एयर कंडीशन की ना तो जरूरत होती है और ना ही हमें इतनी फ्रेश एयर को छोड़कर एसी की हवा खाने का मन करता है। चलिए अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आपको एक और इनकी डिफरेंट कैटेगरी दिखाते हैं। यहाँ से नीचे देखने पर पता चल रहा है कि हम कितनी ऊपर आ गए हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको इनकी लग्जरी कैटेगरी रूम। रूम काफी स्पेशियस है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो इसमें अच्छी चीज है वो है इसका व्यू, क्योंकि ये सबसे हाइट पर है तो यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा वाइड व्यू मिलता है। बाकी एमिनिटीज सब मुझे सेम दिख रही हैं और वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है। आपको इनकी सारी रूम कैटेगरीज दिखा दी हैं, लेकिन हाँ मुझे पता है आप टैरिफ का वेट कर रहे हैं। 4500 से लेकर 7500 तक इनकी रेंज है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट टैरिफ आप इनसे बात करके ले सकते हैं। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है फॉर टू पीपल, और जो हमने फैमिली रूम दिखाया है उसके लिए आप स्पेशल इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही OTA एक्सपर्ट का 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। इतना घूमे हैं हम प्रॉपर्टी में कि हमें भूख लग गई है बहुत तेज, और गर्मा गर्म हमने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए हैं। धीरे धीरे आते जाएंगे और हम खाते जाएंगे। तो विदित शुरू करेगा स्प्रिंग रोल से। हमने ऑर्डर किए हैं दही के शोले, स्पैगेटी, बच्चों ने ऑर्डर किया है पास्ता, आज ये सब अटरम शटरम खाने वाले हैं, और हैंटोस पिज्जा। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक खाना खा के ना बताया जाए हमें पता कैसे चलेगा कि खाने की क्वालिटी क्या है और टेस्ट कैसा है। मुझे ये ड्रिंक्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिफरेंट फ्लेवर्स के मॉकटेल्स हैं, सब अपने अपने फ्लेवर्स ले लो
और पी के बताओ फिर कैसी है। और ये आ गए हैं हमारे दही के शोले, ये बहुत टेस्टी लगते हैं सभी को। और फाइनली बच्चों की फरमाइश पर आ गया है पास्ता एंड स्पेगेटी विद गार्लिक ब्रेड्स, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। भाभी टेस्ट कीजिए। और इसको देख के आप समझ गए होंगे बच्चों अब इसमें क्या है। अब इसमें हमें मोमोज मिलने लगे, लेकिन पहले इसमें वो होते थे सांप मिलते थे, सांप की टोकरी हुआ करती थी। उत्तराखंड के चटरपटर में अगर मोमोज शामिल ना हो तो अधूरे माने जाते हैं। वैसे मैगी भी होती है इसमें, लेकिन आज हम मैगी स्किप कर रहे हैं, मोमोज जरूर खाएंगे। हम जितना खाते जा रहे हैं हमारी भूख और बढ़ती जा रही है, क्योंकि खाना इतना डिलीशियस है आई स्वेयर। और आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम दाल रोटी नहीं खाएंगे, है ना, और पनीर नहीं खाएंगे, उसके अलावा सब कुछ खाएंगे, पर पनीर इसमें आ गया। वाओ, गर्मा गर्म ब्राउनी विद ठंडी ठंडी आइसक्रीम विद इट। ये है हमारे डेजर्ट, क्योंकि देखो अब अपनी बेकरी है, इन हाउस बेकरी का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, गरम ठंडा भी खाना होता है विद इट प्लीज। और ये है बेस्ट डेजर्ट, है ना, बहुत मजा आ गया प्रॉपर्टी पूरा विजिट करके। और साथ में जब हमने फूड टेस्ट किया है तो वो तो बिल्कुल ही अल्टीमेट था, बहुत टेस्टी है। आप इसे स्टे के लिए तो ऑप्शन ले ही सकते हैं, क्योंकि एक ऑफ बीट लोकेशन है मसूरी के बहुत पास। जब आप यहाँ पर आकर रहेंगे, मसूरी के जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं घूमने के लिए वो तो आप कवर कर ही सकते हैं, लेकिन ये जगह अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है इसको, और यहाँ आसपास जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जितना पीसफुल ये एरिया है, सच में बहुत ही यूनिक प्लेस है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आप खुद से ये फील करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसी तरह से वीडियोस को फॉलो करते रहें, लाइक शेयर जरूर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, तभी आपको इतनी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस हम दिखाते रहेंगे। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।